Hey, नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। Amazon की ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल अभी भी चल रही है। When you are watching this video, we probably might be on day 3. अगर आपने मेरी डे 1 की वीडियो नहीं देखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। There were some really good deals that I've spoken about in that particular video. आज की ये वाली जो वीडियो है, that is focused only on 65 inch वाले TVs. Not 55, not 43, not 50 inch, but only 65 inch वाले models. उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, specially budget segment में. I'm not going to be talking about the high-end brands like Sony, LG or Samsung. Maybe I might throw in one oddball here or there, but not in detail. डिस्क्लेमर वरना जरूरी है वीडियो शुरू होने के पहले। दो डिस्क्लेमर। नंबर वन, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रस्तुत करके ये बोलूंगा कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, देन प्लीज स्टेप आउट ऑफ दिस वीडियो, डोंट वेस्ट योर टाइम, यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। दूसरा डिस्क्लेमर, द प्राइसेस दैट आई माइट शो यू ऑन दिस वीडियो माइट आल्सो चेंज बिकॉज सेल में वो होते रहता है। आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स एज वेल एज आई कंटिन्यू इन दिस वीडियो कि कैसे वो प्राइस चेंज होते रहते हैं। सो दैट इज द सेकंड डिस्क्लेमर। अगर आपने एक प्राइस देख लिया और ये मत बोलेगा कि यार प्राइस तो आपने ये दिखाया था बट वो प्राइस अवेलेबल ही नहीं है, यार चेंज होता रहता है, ये अमेज़न के ऊपर डिपेंड करता है। सो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देयर आर अ फ्यू मॉडल्स दैट आई पर्टिकुलरली वांट टू टॉक अबाउट एंड आई वांट टू टॉक अबाउट देम बिकॉज ये मॉडल्स डील्स पे तो हैं और आपको ऐसा भी लगेगा कि बहुत अच्छा है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं ले सकते इन टीवीज को, बट हियर आर फ्यू ऑफ द रीजंस व्हाई आई माइट हेजिटेट टू बाय इट। नाउ वन ऑफ द वेरी गुड डील्स दैट आई हैव सीन इज ऑन द 65 इंच का ये जो OnePlus का क्यूलेट था, ये अभी 64,990 दिखा रहा है ना, पर इसमें 5,000 रुपए का कूपन भी था जब मैंने लास्ट देखा हुआ था, अभी वो कूपन हट गया है। तो अगर आपको एक कूपन के साथ दिखेगा, दिस प्राइस विल इफेक्टिवली गो डाउन टू 59,990। इसका मतलब ये आपको 60,000 रुपए के नीचे मिलेगा। ये लॉन्च हुआ था 1,00,000 रुपए में, अभी मिल रहा है 60,000 रुपए में। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि OnePlus has exited from the TV unit in India. तो एक डाउट मेरे दिमाग में भी आएगा, कि भाई ये टीवी तो मैं ले लूंगा बट वॉट अबाउट आफ्टर सेल्स? आफ्टर सेल्स का क्या होगा? लेट मी टेल यू कि मैंने OnePlus को एक्चुअल में मेल भी किया हुआ था, मुझे एक रेस्पॉन्स भी मिला OnePlus के लोगों से। आई गॉट अ जेनरिक रेस्पॉन्स, एकदम जनरल रेस्पॉन्स मिला है मुझे कि आप घबराइए मत, हमारा जो बंदा है वो आपको हेल्प कर देगा अगर आपके आफ्टर सेल सर्विस की कोई भी रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, दैट्स इट, आई मीन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट सेज। तो ये एक टीवी है जो आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप एक रिस्क लेना चाहते हैं विद आफ्टर सेल सर्विस। एंड प्लीज डोंट से कि आपने दिखाया तो आप ये रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है यार, मैं डील्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम रिकमेंडिंग दिस टीवी। इज द टीवी बैड? नो, इट्स नॉट बैड, इनफैक्ट इट्स अ ग्रेट टीवी। It's a very good TV, especially इस प्राइस पॉइंट पे तो बहुत अच्छा है, but it's difficult to recommend because of the fact कि OnePlus निकल गया, अपने टीवी यूनिट से एग्जिट कर गया है। पर अगर आप वो चांस लेना चाहते हैं, then you can go with this. देखिए, अगर आप टीवी का गुड केयर लेंगे ना, अगर आपने एक UPS या स्टेबिलाईजर लिया, टीवी के लिए, अगर आप टीवी को पानी से नहीं धोएंगे, लाइक कॉलिन वॉलिन छिड़क पिड़क के, या फिर एक गीले कपड़े से साफ नहीं करेंगे, there's very little chance that your TV might get spoiled. I have even had a Micromax TV. I have had a Reliance का Life का TV for 6 years. यार मैंने उसे चलाया until I exchanged them. तभी भी खराब नहीं हुआ. Exchange कर दिया मैंने. तो you have to take care of your TV. हर एक TV in my house, I have a UPS connected to it. तो वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण भी टीवी खराब हो सकता है. प्रॉपरली नहीं साफ करने पे भी टीवी खराब हो सकता है. तो ये था एक डील, नंबर वन. दूसरा एक डील, मैं एक और डील आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज ऑफ एसर टीवी। मैंने इनफैक्ट अपना ये कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है, दिस इज एट एन ऑल टाइम लो। इसका जो प्राइस है ऑफ द 65 इंच स्पेसिफिकली 54,999 पे आ रहा है। ये एक क्यूलेड है, इसकी खास बात ये है कि ये एक मैट पैनल है। तो अगर आपको एक मैट डिस्प्ले चाहिए, वो भी एक बजट में, आप सैमसंग फ्रेम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और आपको एक ऐसा टीवी चाहिए जो एक रिस्पेक्टेबल ब्रांड से, हाँ आपके पास कूका का भी ऑप्शन है, कूका का भी एक मैट पैनल निकला हुआ है, वो भी फॉर द प्राइस इज गुड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अमेज़न सेल। अमेज़न पे एसर की डब्ल्यू सीरीज क्यूलेट अवेलेबल है, पर इसमें भी ना एक प्रॉब्लम है, इसका अर्गोनॉमिक इशू है, मैं बताता हूँ क्या। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो सेक्शन है, देखिए सबसे पहले तो फ्लैट टीवी है, राइट, ये एडवर्टाइज देखिए कैसे कर रहे हैं कि इस को आप वॉल पे फ्लश एकदम ऐसे माउंट कर सकते हैं जैसा कि सैमसंग फ्रेम को माउंट कर सकते हैं। तो ये एडवर्टाइज वैसे कर रहे हैं, बट दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, यू विल नॉट बी एबल टू माउंट द टीवी लाइक दिस। आई मीन यू विल बी एबल टू, बट देयर इज एन एर्गोनॉमिक इशू। व्हाट इज द एर्गोनॉमिक इशू? एर्गोनॉमिक इशू ये है
कि अगर आप इसकी 360 वाली डिजाइन देखेंगे, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू दैट, इसकी पोच की प्लेसमेंट देखिए, अगर आप इस टीवी को चिपका देंगे दीवार से तो आप पोच को कैसे एक्सेस करेंगे? यू विल हैव टू स्पेसिफिकली गेट अ माउंट विच यू कैन पुल फॉरवर्ड एंड देन एक्सेस द पोच. अगर आप एक स्टैंडर्ड माउंट लेंगे एकदम चिपकाने वाला, तब आप पोच को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट यू विल हैव टू गेट अ माउंट विच कम्स फॉरवर्ड, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस इट. नाउ देयर इज अ रीजन व्हाई सैमसंग के फ्रेम में आपको जो पोच है वो टीवी पे नहीं मिलते. दे हैव अ सेपरेट वन कनेक्ट बॉक्स जो टीवी से अलग आता है, और उसमें आप अपने सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी ऑप्शंस को यूज करते हैं. तो वो है डिजाइन, वो है प्रॉपर इंजीनियरिंग, वो है प्रॉपर थॉट प्रोसेस जो गया है उसके पीछे. यहां पे ये एक इश्यू है, ओनली इफ यू गेट द प्रॉपर माउंट आई वुड रेकमेंड दिस. हाँ, अगर आप टेबल पे रखना चाहते हैं इसे, देन तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यार, माउंट का ही प्रॉब्लम है इसमें. प्राइस ये अच्छा है, बिकॉज आई थिंक दिस इज प्रॉबली वन ऑफ द लोएस्ट प्राइसेस दैट आई हैव सीन फॉर दिस पर्टिकुलर टीवी, जो एसर का W सीरीज QLED है. टीवी इज गुड, इट्स अ VA पैनल, आपको सारे फीचर्स मिलेंगे. आई थिंक 30 वॉट्स के स्पीकर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 30 वॉट्स के स्पीकर्स है, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस है. इसमें वो गेमिंग फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, जैसे फ्री सिंक हो गया, वेरिएबल रिफ्रेश रेट हो गया, पर आप गेमिंग इस पर भी कर सकते हैं. 60 हर्ट्ज़ का पैनल है, इसमें MEMC भी अवेलेबल है, डुअल बैंड वाईफाई, वो सारा कुछ आपको मिलेगा. सो इट्स नॉट अ बैड टीवी is what I would say. But हाँ, अगर आप mount करना चाहते हैं, just think about it before you choose this TV. Some of the other deals also, मैं quickly आपको बता देना चाहता हूँ. 65 inch में ही आपको दो और options मिलेंगे. एक है आपका Hisense Q7N. Hisense Q7N only 85 and 100 पहले available था, अभी 55 and 65 inches भी सारे pin codes में available हो गए हैं. इसका जो price है, that is 65,999. अगर आप View Masterpiece को ले लेंगे, View Masterpiece का price है अराउंड 62,999, यानी ये 3,000 रुपए सस्ती है फ्रॉम Q7N. अब देखिए, इसमें भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको आकर्षित करेगा इसके, और वो क्या चीजें हैं. नंबर वन, मैं अपनी ये वाला एक्सेल खोल लेता हूँ, PPT, सॉरी नॉट एक्सेल, की नोट इन फैक्ट टू बी प्रिसाइज. कुछ कुछ अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें गूगल टीवी आता है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, आपको 3GB का रैम, 32GB का स्टोरेज है इस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है. प्लीज नोट, ये 65 इंच की मैं बात कर रहा हूँ. अगर आप TCL की C755 जो एक मिनी LED है उसे लेने जाएंगे, या आप U7N लेने जाएंगे, तो उसके जो 65 इंच वाले टीवी है ना, दैट तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव. यू विल बी टचिंग क्लोज टू 85,000 प्लस, इनफैक्ट 99,000 होगा. इनफैक्ट उनका 55 इंच जो है TCL का C755 का is 69,990, if I'm not wrong. Yes, it's 69,990, और 65 inch 1,00,000 के ऊपर है. अगर मैं U7N देखना जाऊंगा तो U7K तो 85,000 है, और U7N 1,15,000 है. तो अगर आपको एक decent 65 inch चाहिए, you can consider this. This is 3,000 rupees cheaper than Hisense का ही Q7N. और दोनों ही टीवीज दे आर वेरी क्लोजली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रेश रेट, इन टर्म्स ऑफ आपका जो पैनल का ब्राइटनेस है. आई थिंक इवन द डिमिंग ज़ोन्स दे आर वेरी सिमिलर, साउंड आल्सो दे आर वेरी सिमिलर. हाँ, आपको कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी ऑन द व्यू टीवी. वन इज अ फार फील्ड माइक, और इसका जो रिमोट है उसमें कुछ कुछ बटन्स मुझे पर्सनली अच्छे लगे हैं, कुछ कस्टमाइजेशन इन्होंने किया हुआ है, सो दैट इज रियली गुड. और अगर आप Hisense की इस टीवी को देखेंगे, Q7N को, और Hisense का आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई एम ऑन द 65 इंचेस, अगर आप 65 इंच देखेंगे तो 65 इंच इसमें भी आपका IPS पैनल ही मिलता है आपको, जस्ट लाइक View Masterpiece 65 इंच इज ऑल्सो एन IPS पैनल. View Masterpiece का 55 इंच इज अ VA पैनल, बट 65 इंच इज एन IPS पैनल. आपको वो ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है कि Hisense Q7N इज ऑल्सो 65 इंच में IPS पैनल. 3,000 रुपए का डिफरेंस है. इफ यू आस्क मी वॉट वुड आई बाई बिटवीन द टू, पहले तो आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट Q7N, बट View Masterpiece ऑल्सो लॉन्च्ड, एंड गिवन द फैक्ट कि मेरे घर में ऑलरेडी दो विदाउट टीवी ओएस है, मेरे पास गूगल टीवी ओएस भी है, बट आई डोंट हैव अ टीवी विद 3GB का रैम एंड 32GB का स्टोरेज, बिकॉज आई हैव अ View GlowLED, उसमें 2 और 16GB का रैम है और स्टोरेज है. और मुझे पता है कि गूगल टीवी में कितना ज्यादा आपको जरूरत होता है ना, वो 32GB का स्टोरेज और 3GB का रैम, आई कैन नॉट स्टेट इनफ. So that's why I personally would go for the View Masterpiece. They're very equally matched in terms of all the other features. Dono hi 120Hz. Yes, 4K 120Hz wale panels hai. And I would recommend these over TVs like
TCL के C61B जो भी एक अच्छा टीवी है बाय द वे, इसमें भी आपको 32GB का स्टोरेज मिलता है बट रैम इसमें 2GB का है, और इसमें आपको 4K 120Hz नहीं मिल रहा है, इसमें आपको अप टू 1440p 120Hz मिल रहा है ऑन कॉन्सोल्स, और पीसी में 1080p 120Hz मिल रहा है, और इसका जो 65 इंच है वो सिर्फ और सिर्फ ₹2000 कम है देन द व्यू मास्टरपीस। तो व्हाई विल आई नॉट टेक व्यू मास्टरपीस, व्हाई? नंबर वन, दैट इज ब्राइटन। नंबर टू, उसमें आपको ये भी मिल रहा है, क्या बोलते हैं आपका, 3GB का रैम मिल रहा है, और दैट कैन डू 4K 120Hz एंड 4K 144Hz। अगर आप पीसी से कनेक्ट करेंगे, दिस कैन ओनली डू 1080p 120Hz ऑन पीसी एंड अप टू 1440p 120Hz ऑन कॉन्सोल्स। सो इफ आई रियली हैव टू चूज बिटवीन दिस 61 इंच एंड दैट 61 इंच, आई विल चूज द व्यू मास्टरपीस। हाँ, बट यू कैन चूज दिस इज वेल, इट इज नॉट अ बैड प्राइस, 61,000 इज नॉट अ बैड प्राइस, बट वॉट इज इवन बेटर इन दिस पर्टिकुलर सेल इज P71B Pro, क्योंकि इसका जो 65 इंच है वो आपको 55,000 में मिल रहा है, विच इज अ कंप्लीट 6,000 रुपीज लेस देन C61B। देयर आर ओनली टू डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड C61B Pro। अगर आप इन दो टीवीज को देखेंगे वो डिफरेंस क्या है, नंबर वन डिफरेंस है 100 nits का ब्राइटनेस का डिफरेंस है, यानी C61B 100 nits ज्यादा ब्राइट है। दूसरा डिफरेंस है कि इसमें आपको 32GB का स्टोरेज मिलता है, पर P71B Pro में आपको सिर्फ 16GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। सो अगर आप ₹6,000 ज्यादा खर्च करना नहीं चाहते, यू कैन एब्सोल्युटली गो विद P71B Pro एज वेल। लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द अदर टीवीज दैट आर आउट हियर। आपका ये तोशीबा का भी 65 इंच है, अगर आप तोशीबा को ले लें तो तोशीबा का ये क्यूलेट जो है आपका C450NP, आपका ये जो क्यूलेट है, दिस इज ऑल्सो गुड, आई मीन इट्स नॉट बैड टीवी, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपको क्लोज टू दिस प्राइस पॉइंट में हाइसेंस ही की खुद की U7K भी मिल जाएगी। वेयर एज U7K गॉन, आई थिंक दिस मस्ट बी इट। सो दिस इज 57,999, यानी ₹4,000 अप्रोक्सीमेटली ज्यादा है, या ₹5,000 कूपन डिस्काउंट अगर आप लेंगे। बट व्हाई विल आई कंसीडर दिस ओवर तोशीबा की क्यूलेट, देयर आर फ्यू रीजंस। द फर्स्ट वन, इसमें आपको फॉल्ड मिल रहा है, तो दिस इज अ फॉल्ड पैनल, जबकि अगर आप तोशीबा की टीवी देखेंगे, तोशीबा की ये टीवी में आपको फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं मिल रहा है। दिस इज क्यूलेट, इसमें भी वेरी क्लोज टू दोस फीचर्स आपको मिल रहे हैं, बट इसमें आपको फॉल्ट नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज, इसमें वो HSR 120Hz का रिफ्रेश रेट नहीं है जो आपको हाइसेंस की U7K में मिल रहा है, सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, U7K में मिल रहा है। सो दैट मेक्स इट वर्थ दैट एक्स्ट्रा मनी इन माय पर्सनल ओपिनियन, इनफैक्ट जस्ट द फॉल्ट मेक्स इट वर्थ दैट एक्स्ट्रा मनी। तो यहां पे आपको फॉल्ट मिल रहा है और HSR 120Hz मिल रहा है। अनदर थिंग टू कंसिडर इज कि ये अगर आप टीवी देखेंगे तोशीबा की क्यूलेट, इसमें आपको विडा टीवी OS मिल रहा है और U7K में स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स गूगल टीवी ओवर्स मिल रहा है, तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। सी, इट्स नॉट अ बैड टीवी, इट्स अ गुड प्राइस, 53,999 इज नॉट अ बैड प्राइस, इनफैक्ट ₹4,000 का ही डिफरेंस है। एक्चुअली मैं वाज रॉन्ग, आई थॉट ये 53,999 और ₹1,000 का कूपन है, बट नो, इट्स 54,999, ₹1,000 का कूपन, यानी सिर्फ ₹4,000 का डिफरेंस है। एंड इन दैट ₹4,000 डिफरेंस, अगर आप सोचते हैं कि आपको ये लेना चाहिए, U7K लेना चाहिए, जबकि ये 2024 वाला मॉडल है, वो 2023 वाला मॉडल है, लेट मी टेल यू, जस्ट गो विद द U7K, it is still going to be a better TV in my personal opinion. To ye rahe kuch deals jo aise hain which are really good in my personal opinion. Hisense ka U7K is still a great TV to buy. Ha, uska budget thoda zyada hai, kyunki agar aap uski pricing dekhenge for the 65 inch, then 65 inch aata hai aapka 85,000, but it's still way way better than aapka U7N jo 1,15,000 hai. So that is quite a lot of money. अगर आप difference पकड़ेंगे, सिर्फ peak brightness की difference है, and in fact, अगर आप कोई भी reviews पढ़ ले, चाहे international हो या local हो, अगर आप पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि U7K की जो color calibration है, it is comparatively better to U7N straight out of the box. Is U7N the better TV? Yes, it is the better TV, provided you are gonna spend time with it in calibrating it. But अगर आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, अगर आपका budget tight है, still a great TV to buy in 65 inches. In fact, I would still rate it as one of those TVs that you should purchase even at this price point, which is of 85,000. Kya dusre kuch aise TVs hain jo are worth checking out? Unfortunately, View ka vibe nikalne wala tha, but
आई थिंक कोई इन्वेंटरी का डिले हो गया है, दैट इज वाई अगर आप व्यू वाइप की लिस्टिंग देखेंगे तो दे आपको बताएगा आपकी सेल स्टार्ट्स ऑन अगस्त 17th. पहले ये 6th को स्टार्ट होने वाला था, फिर 10th हो गया, अब 17th हो गया. सो आई थिंक दैट कुड बी सम इन्वेंटरी इश्यूज या कुछ लॉजिस्टिक्स का प्रोबेबली प्रॉब्लम होगा. दिस इज अ गुड टीवी बाय द वे, आई हैव पर्सनली सीन इट. आप मेरी वीडियो अगर आपने चेक नहीं किया हुआ तो वो चेक कर लीजिएगा, अच्छी टीवी है. इसको मैंने दूसरे सारे ब्रांड से कंपेयर करके भी देख लिया है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा है, IPS पैनल है. अगर अवेलेबल होता देन आई वुड हैव रेकमेंडेड इट. आई मीन टू बैड इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ, और ये अगस्त 17th को ही लॉन्च होगा. इसके अलावा एक और टीवी दैट आई वांटेड टू प्रोबेबली टॉक अबाउट वाज द तोशिबा की M650MP. द रीजन व्हाई आई वांट टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टीवी एंड इन द 65 इंच आई वांट टॉक अबाउट इट इज बिकॉज दिस इज अ मिनी LED टीवी बिलो 60,000 rupees. This is probably one of those few mini LED TVs out there which are coming below 60,000. आप सोचेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा. Why this pricing? भाई, I mean, सबसे पहले तो this is 2023 वाला model. Hisense itself has launched their U6N Pro, which is way more expensive. अगर आप मुझे पूछेंगे, I would probably buy this over U6N Pro. Why? Because this has got better speakers and इसमें आपको free Fire TV stick भी मिल रहा है. तो अगर आप वो 4,000 rupees भी consider करेंगे ना, this 60,000 goes down furthermore. यानी और 4,000 rupees से आप घटा सकते हैं, यानी 56,000 इफेक्टिवली में आपको मिल रहा है ये टीवी, विच इज अ मिनी एलईडी टीवी. इट इज ब्राइट इनफ, कलर कैलिब्रेशन इज गुड, पिक्चर क्वालिटी इज रियली गुड फॉर द प्राइस. अगेन कीप द प्राइस इन माइंड. तो ये एक अच्छी टीवी है एंड आई वुड रेकमेंड दिस अगर आप सिर्फ कंटेंट देखना चाहते हैं. इनफैक्ट इसमें आपका HSR 120 Hz का रिफ्रेश रेट भी है, तो अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हैं थोड़ा बहुत वो भी आप कर सकते हैं. इसमें 3 साल की वारंटी है. व्हाट्स नॉट टू लाइक हियर, इट्स अ गुड बाय एट दिस प्राइस पॉइंट. One of those few TVs which give great value for money, according to me. हाँ, आप अगर सोच रहे हैं कि I am not talking about Samsung के कोई भी TVs, I am not talking about LG या Sony के कोई भी TVs, then again please note that I might make another video in which I will talk about them, but not this video, because इस video में I mainly wanted to cover आपका budget brands. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया, कोई भी budget brands में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया, then let me know. There's one last TV that I do want to talk about and I generally don't get to talk a lot about it. और वो होगा आपका iFalcon का Q73. यहाँ पे listed नहीं है by the way, unfortunately. But let me open up a sheet and show you that. तो यहाँ पे चले आते हैं अपने सबसे पहले. Oh, by the way, E7K Pro. This is also a good buy. Still in 65 inches. Unfortunately, मेरे pin code में available नहीं है. By the way, यहाँ पे दिखा भी रहा है, you have last purchased this on 15th October 2023. तो भाई पैसे दे करके लिए, ऐसा नहीं कि Hisense से पैसे मिले हैं, just note that as well. यहाँ पे clearly दिख गया है, 65 inches QLED. तो iFalcon का QLED, why? Because सबसे पहले तो price. आप ये price देखिए यार, this is below 50,000. Now this and the T6G, same TV है. The only difference between these two, T6G and iFalcon Q73 is the warranty period. इसमें आपको 1 साल का वारंटी मिलता है, T6G में आपको 2 साल का वारंटी मिलता है. सेम टीवी है, आपको 48999 पे मिल रहा है यार. दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर द प्राइस पॉइंट. इट इज जस्ट योर TCL T6G. अगर आपको अच्छा टीवी चाहिए, अच्छा QLED चाहिए इस प्राइस पॉइंट में, सुपर प्राइस टू वैल्यू रेशियो चाहिए, यू कैन टेक दिस. अगेन प्लीज नोट, इसमें भी वो DLG 120 Hz है जो आपको TCL के इस साल के मॉडल्स में जो मिल रहा है ना, P71B Pro, C61B, C69B, C655, वो सारे मॉडल्स में भी आपको DLG 120 Hz मिल रहा है. सेम फीचर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है. Dolby Vision है इसमें, Dolby Atmos है, HDR 10 Plus का सपोर्ट है. आपके स्पीकर्स भी इसमें अगर आप देखेंगे, the 55 and the 65 inch में जो स्पीकर्स है, that is comparatively better. It is 56 watts के स्पीकर्स versus the 43 and 50 inch वाले जो मॉडल्स हैं इसके. तो दिस इज अगेन अ गुड वैल्यू फॉर मनी अकॉर्डिंग टू मी. आपको क्या लगता है, अगेन प्लीज लेट मी नो अगर ऐसा कोई मॉडल हो जो मैंने इस बार बात नहीं किया है. आई नो देयर आर अदर टीवी मॉडल्स लाइक एसर की एडवांस्ड आई सीरीज है, वी सीरीज है, उनके बारे में मैंने बात नहीं किया हुआ है. दैट्स बिकॉज आई थिंक दैट यू नो फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, फीचर्स अगर हम दिमाग में रखेंगे, पैनल की क्वालिटी अगर हम दिमाग में रखेंगे, देन दीज आर क्यूलेट्स. एसर की एडवांस्ड आई सीरीज इज नॉट इवन अ क्यूलेट. हाँ, वी सीरीज उनका क्यूलेट है, बट डब्ल्यू सीरीज इज देयर फ्लैगशिप क्यूलेट. सो दैट्स व्हाई आई स्पोक अबाउट दैट. और हाँ, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा सेल पे ही, जहां पे प्रोबेबली आई विल टॉक अबाउट द लीडिंग ब्रांड्स लाइक LG, Sony एंड Samsung, एंड आई विल शेयर सम थिंग्स अबाउट दीज ब्रांड्स
एंड वाई यू शुड परचेस एंड विच मॉडल्स यू शुड कंसिडर. बहुत लोगों ने मुझे रीच आउट किया था और मुझे पूछा था भाई S20, S20B में क्या डिफरेंस है, ब्राविया 3 में S30, S30B है, उनमें क्या डिफरेंस है. तो ये सारी चीजें मैं उस वाले वीडियो में कवर करके आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है इन मॉडल्स में. पर आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सवाल अनएंसर्ड है, देन प्लीज रीच आउट टू मी वाय द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. जाने के पहले प्लीज एक छोटी सी दरखास्त है, वो दरख्वास्त है कि आप प्लीज वो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दिए, फ्री है. साथ ही में घंटी यानी बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करता हूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और ये तो बहुत बड़ा हेल्प होगा यार. इसमें आपको कोई पैसा ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा. दी ओनली थिंग दैट आई वुड सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट इज, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स होंगे इन सारे प्रोडक्ट्स के जो मैं रेकमेंड करता हूं. अगर आप उन प्रोडक्ट्स के लिंक्स को क्लिक करके उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, आपके लिए प्राइस सेम रहेगा. ऐसा नहीं दैट यू आर पेइंग मोर, यू विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द सेल. पर मुझे अमेज़न की एक अफिलियट कमीशन मिल जाएगी, जिससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा. दैट विल हेल्प माई चैनल ग्रो. सो मेरी अगेन ये रिक्वेस्ट है, इफ यू कैन जस्ट सपोर्ट माई चैनल क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. आज के वीडियो के लिए इतना ही. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.